उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मामला सटे झालू मार्ग पर कालिका मंदिर के नजदीक चक्कर चौराहे का है, जहां तेज रफ्तार तीन ट्रकों में आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने सूझबूझ के चलते रेस्क्यू करके ट्रकों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह रात 11 बजे के लगभग एक्सीडेंट हुआ। हम भी सुबह 6 बजे के लाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, उन्होंने बताया कि 11 बजे एक्सीडेंट हुआ, 12 बजे हम आ गए। अच्छा, आग लगी गाड़ियों में। अच्छा, क्या कौन सी गाड़ी है? जी, एक घोड़ा गाड़ी है, रेता भरा हुआ था उसमें, लोड ट्रक है। ट्रक? हाँ, एक टैंकर है। अच्छा, उसमें शीरा भरा हुआ था, एक कोयले का ट्रक। अच्छा, एक शीरा का, एक कोयले का और एक में रेत भरा हुआ था। तो ये आपस में भिड़ गए तीनों? ये तीनों आपस में भिड़े हैं काली के मंदिर के चौराहे पे, ताकि स्पीड इनकी हल्की हो ही नहीं। अनुमान लगाया जा रहा है कि गाड़ियाँ 100 की स्पीड पे होंगी, जिस तरह से इन गाड़ियों का चीज तक मुड़ गए। अच्छा, आग लग गई जिसके अंदर? आग लग गई जी, तीनों ट्रकों में, दो में, दो गाड़ियों में। फिर फायर ब्रिगेड आई? फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं कि हम 12 बजे आ गए थे। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आई थी? दो गाड़ी आई थी। तो आग बुझाई उन्होंने? आग। लेकिन जैसी इनकी हालत दिखाई दे रही है, तो उसमें हताहत होने की खबर है किसी? इसमें जी लगभग 7-8 आदमियों की मरने की खबर है। अच्छा, क्या बड़ी वजह है इस एक्सीडेंट की? बड़ी वजह यह है जी, इस चौराहे पे स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट होता है। और रोजाना होते, छोटों की तो तादाद नहीं, रोजाना होते छोटे को। तो आपने इससे पहले मांग की स्पीड ब्रेकर की? जी, एक बार और करी थी, लेकिन इस पे स्पीड ब्रेकर नहीं बना। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। झालू रोड पर काली माता मंदिर चौराहे के पास आज 3 ट्रकों का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ट्रक में 8 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई है। और अभी बाकी जो 5 घायल हैं, उनको बड़ी बहादुरी के साथ यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने, हमारी पूरी टीम ने रख के उनको निकलवा लिया है, उनकी जान बचाई है। आग भी लग गई थी, जिसको समय रहते बुझवा लिया गया, एम्बुलेंस बुलवा ली गई थी, फायर ब्रिगेड बुलवा ली गई थी। घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। सर, इसमें कुछ लोगों का पता चल पाया कहाँ के लोग हैं, कहाँ के नहीं? अभी वो सब ट्रेस करवाया जा रहा है, जानकारी करवाई जा रही है, जो भी आगे की अब जानकारी मिलेगी आपको। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिजनौर से हाशिम अहमद की रिपोर्ट।